ब्रांड न्यू खबर तो ये है कि आज आपके दूसरे पोते पिंकू की बहू आ रही है। पिंकू? पामे झूठी एक ही मात्रा बिंदी काम है वो पिंकू। ओ मैके जी, अब तो पंकज को पिंकू कहना बंद कर दो। बड़े बेटे रोशन की शादी होगी, उसके दो दो बच्चे हो गए, अभी तक आप उसको टिंकू बुलाते हो। बड़ा बेटा टिंकू, उसे छोटा पिंकू, उसे छोटी पम्मी, उसे छोटा बॉबी, लगता है घर में चार चार पालतू जानवर पाल रखे हैं। अभी कोई गाल नहीं? गाल बहुत सिंपल है प्रेम कौर जी। मेरे पापा जी कहा करते थे कि बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, पर माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। याद नहीं, हमारी शादी के बाद भी पापा जी प्यार से मुझे पप्पू कह के बुलाते थे। पप्पू पानाला, पप्पू पानीला, पप्पू पानला, और ये पप्पू ऐसे जाता था और ऐसे आता था। ऐसे भी बचपन में जो नाम होता है वो आखिर तक शक्ल के साथ चिपक जाता है। देखो अभी भी शक्ल से मैं पप्पू ही लगता हूँ। बंद भी करो अपना ये पप्पू पुराण, हवाई अड्डे जाना है, जहाँ जाने का टाइम। हाय हाय सर की जामा वाली जामा, देखो जी हमारे पंकज वाइट वाइट में कितना प्यारा पीस लग रहा है। खाक प्यारा पीस लग रहा है, कट पीस लग रहा है ना। आज के दिन भी हाथ में बैट पकड़ के क्रिकेट की ड्रेस पहन के घूम रहा है घर। मैं घर में घूम नहीं रहा हूँ बाबूजी, मैं नेट प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ। पुत्र नेट प्रैक्टिस छोड़, अब तो ग्रॉस प्रैक्टिस शुरू कर। यार तेरी बहू आने वाली है घर में, लाइट आने में बहुत टाइम बाकी है बाबूजी। और अगर मैं नेट प्रैक्टिस पे नहीं जाऊंगा तो फिर मैं देश के लिए खेलूंगा कैसे? अगर मैं देश के लिए खेलूंगा नहीं तो फिर देश को शर्मनाक हार से बचाएगा कौन? तू ही बचाएगा। अच्छा एक काम कर, आज नेट प्रैक्टिस घर में ही कर ले। तेरी गाय दास, जब तूने चेन्नई कोर्ट में शादी की थी हमसे छुप छुपा के, तो वहाँ पर बहू के परिवार वाले तो थे ना? हाँ माँ, सभी लोग आए थे। बहुत बड़ा साउथ इंडियन परिवार है माँ। तेरे हाथ के एक्शन से तो बहुत छोटा लग रहा है। मतलब बहुत बड़ा साउथ इंडियन परिवार है। हाँ जी, बहुत बड़ा परिवार है जी, बहुत बड़ा। खुश हो ना? हाँ जी। अच्छा बेटा ये तो बता, बहू दिखने में कैसी है? सच कहूँ माँ, बिल्कुल आपके जैसी। यार मुझसे एक बार कुछ तो ले रहा था। क्यों? अरे यार एक ही घर में एक ही गलती बार बार नहीं करते। जी हाँ भी। चलो मैं चला प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़ बेटा, जाके कपड़े बदल के आ। नहीं ना अभी तो बेटा एयरपोर्ट जाना है। ओ माँ, प्रेम कौर जी एक मिनट एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था हवाई अड्डे जाना, अब आप कह रही एयरपोर्ट जाना। नहीं पहले डिसाइड कर लो ना कि जाना कहाँ है। बाबूजी बाबूजी, डिक्शनरी में ना एयरपोर्ट और हवाई अड्डा एक ही होते हैं। एक ही होता है तो ठीक है, चलो देर क्यों कर रहे हो? यहाँ कौन से लड्डू बट रहे हैं? लड्डू? ओ चली पुत्र, लड्डू से याद आया, रसोई में थाल में लड्डू पड़े हैं, दो चार ले आ, मिठास किसी की नहीं हो रही है। नहीं नहीं, वो सारे लड्डू बहू के लिए। ना सारे के सारे? हाँ। कुमार है, कोई मुझे बताएगा कि घर में बहू आ रही है या दामा पहलवान? छोटो भी, तुसे ये सोचो कि तुसे तैयार हो गए, मैं तैयार हो गई, ये तैयार हो गई, बाकी सब तैयार हो रहे हैं कि बॉबी का बॉबी। नहीं 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 नहीं, सुभाष जी प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकता। हाँ वैसे भी आपकी फिल्म में ऋतिक है, शाहरुख भी है, तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा मतलब है उन पर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। लेट देम बी फ्री, हाँ लाइफ में कभी और काम करने। हेलो, बाद में फोन करो। शॉट खराब कर दिया। आई समझ एक्टर्स, ये कमाल का इत्तेफाक है। नहीं मतलब सुभाष जी लाइन पर थे भी नहीं, फिर भी सुभाष जी से बात कर रहा था मेरा पुत्र। यू सी सी के बच्चे क्यों करता रहता है ये फ्रॉडगिरी? और बाबूजी मैं फ्रॉडगिरी नहीं कर रहा था, मैं रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे स्टार बनना है, और स्टार बनने के बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की प्रपोजल फिल्में रिजेक्ट नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको ये सीन क्यों समझा रहा हूँ? कट 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 ओ पुत्र, कट कराना बंद कर। मेरे ट्विंकलिंग स्टार, ये अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ एयरपोर्ट चलेगा क्यों? यार तेरी भाभी को रिसीव करने जाना है। ओ बाबूजी मैं स्टार हूँ, स्टार लोग मुझे रिसीव करने आते हैं, मैं किसी को रिसीव करने नहीं जाता। सॉरी आई कांट टेक इट, आई एम गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम, बाय। बड़े घर की बड़ी बहू के लिए छोटे छोटे गहने, वो मद्रासन देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? मेरा भी तो कोई स्टाइल है, स्टेटस है, ऐसे गहने पहनकर मैं एयरपोर्ट नहीं आने वाली, एंड दैट्स फाइनल। अरे फाइनल तो न्यूजीलैंड के साथ हो जाने दो, अगर इंडिया मैच जीत गई ना तो 4 लाख के गहने मैं बना दूंगा, आई प्रॉमिस। तुम और तुम्हारे झूठे प्रॉमिस, आई एम जस्ट फेड अप। आई एम नॉट। बीना पुत्र कम से कम आज के दिन तो रहने दे, हां बंद कर अपनी शिकवे शिकायतें। ओहो ये शिकवे शिकायत थोड़े हैं जी, ये तो मियां बीवी की नॉर्मल चोंच लड़ाई हो रही है जैसी अक्सर हमारी चली रहती है। छोटू भी वैसे बिना पुत्र, मैंने एक बात नोटिस किया है, मेरा शेर पुत्र तेरे से प्यार बहुत करता है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो, लगती क्या हजार हजार की। मम्मी जी रोशन, कम से कम घर वालों के साथ जुआ खेलना बंद कर दे। भैया भैया भैया,
डर्बी रेस में तब से अब तक कह रहा हूँ डर्बी डर्बी डरती नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो नहीं डरती, तू तो डरता है। सेठ मम्मी जी, उस मद्रासन के सामने मुझ पर बच्चों जैसे जोक्स मत क्रैक करना प्लीज। इतने बच्चे नहीं है वो। बच्चों से याद आया, होलम सोल फैमिली एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार है। अच्छा चार छह बच्चे कहाँ है? चलिए पुत्र जरा देख के आ। जली हुआ, आपको पता है पिंकू चाचा ने ना साउथ इंडियन लड़की से शादी की है? आपने उनको देखा है? नहीं, मैंने उनको वैसे तो नहीं देखा, उनके पासपोर्ट साइज फोटो जरूर देखी है। वो दिखने में कैसी है? पासपोर्ट साइज में तो इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना कि जब मैंने उनको देखा मेरी तो बत्ती गुल हो गई। और मैं क्या थी, ये बत्ती कैसे गुल हो गई? ओए यार पिंकू, इस महीने बिजली का बिल पड़ा था कि नहीं? ये उस पैसे का भी सट्टा खेल दिया वेस्ट इंडीज पे। साहू जी आप भी ना, लगता है मद्रास के कदम मनुष है, आने से पहले घर की लाइट चली गई। अरे डोंट वरी, वो आ रही है तो घर की लाइट गई है, तुम आई थी तो पूरे मोहल्ले की लाइट गई थी। बिना ऐसा करो थोड़े दिए ही जला दो। यार कोई बाहर का दरवाजा ही खोल दो, चांदनी आ जाएगी अंदर। नमस्कार, वणक्कम, सस्री अकाल, पाय लागो। हम मानिनी मानिनी अय्यर, बीए विद तमिल इसमें इंग्लिश भी शामिल। बाबुल के कंपाउंड से उड़कर तीन स्टेट्स पार करके 3 घंटा ट्रैवल करके आया और यहाँ आके देखा मुझे बिच्छ पड़ दो, एकदम ब्लैकआउट, डार्क रूम की तरह। कोई बात नहीं, जैसा फोटो डार्क रूम में डेवलप होता है वैसा हमारा प्यार भी इस फैमिली में डेवलप होगा और हम आपके फैमिली फोटो में फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आप सब ऐसे ग्रुप फोटो बनकर क्या देखता है? आप सब हमको ऐसा देखता है जैसा बच्चा डायनासोर को देखता है। नहीं बहू, वो बात नहीं है। हम अच्छा नहीं दिखता? हम तो चेन्नई में मिस वर्ल्ड बना था। शौक मारा थोड़ा हंसी है ना। फाजरिल्ला जी, हमने बचपन से सोचा शादी करके नया घर में धीरे से स्लोली मिल्ला मिल्ला कदम रखेगा। अभी रखूं क्या? ठहर बहू ठहर, इस चांद को पहली बार देख रही हूँ, चली जाके दूसरी थाली ले आ, तब तक मैं आरती उतार लेती हूँ। अयो ये नाला नंबे मुड़ी लेते संतोष बहू, अब ऐसा कर अपना दाया पाँव इस थाली में रख के घर में प्रवेश कर। लाला क्या है? कुमकुम। अरे अरे अरे, बहू को कम कम वेलकम करने के लिए ताली में कुमकुम। ये ना नसीब कुड़ते चला।